किसान मजदूर मोर्चा द्वारा चलाया जा रहा आंदोलन किसानों के हित की बात तो है, एमएसपी की मांग है और चीजें हैं जो चीजें कही गई हैं निश्चित तौर पर है, लेकिन आंदोलन का तरीका, जो आंदोलन का तरीका जिस तरह से दिल्ली को हाईजेक होने जा रही है पूरी तरह से, जैसे पहले हुई हर तरफ बैरिगेट, हर तरफ सड़क, जो सड़क चलने के लिए बना पाई थी उन पर कटीले तार बिछाए जाएंगे, कीले बिछाई जाएंगी, पत्थरों से बैरिगेट किए जाएंगे, परमानेंट सा बंद किया जाएगा। दिल्ली आखिरकार देश की राजधानी है, पूरे देश के लोग यहाँ आते हैं, रहते हैं, काम है उनके, जुड़े हुए हैं, और ऐसी स्थिति में इसको इस तरह से बंधक पहले तरह बना लेना, जबकि किसान आंदोलन पहले हुआ तो मोदी जी की सरकार ने, भारत सरकार ने किसान बिल वापस ले लिए, रिपील कर लिए, और उसके बाद समझौते वार्ता भी हुई, तो किसी भी चीज का रिजल्ट परिणाम वार्ता से निकल सकता है। किसान मोर्चा आंदोलन कार्यों को जब भारत सरकार के आदरणीय केंद्रीय कैबिनेट कृषि मंत्री मुंडा साहब और पीयूष गोयल साहब केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, भारत सरकार के अभिन्न अंग हैं, उनसे बात हो रही है तो बात सकारात्मक तरीके से हो, समझौतावादी हो और उससे परिणाम निकले अच्छे, उस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर राजनीतिक मकसद से लाभ हानि से किया जाएगा तो दिल्ली को बंधक नहीं बनाया जा सकता है। छात्रों की बात भी है, दूध की समस्या भी है, सब्जी की समस्या भी, दवाओं की समस्या भी, औषधियां भी आती हिमाचल से आती हैं, पंजाब से आती हैं, लोग आते हैं जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, हमारा संघीय देश है, गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक सब जुड़े हुए हैं, सब आते हैं, तो उसका समझौते का रास्ता निकालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत सरकार सरकार है केंद्र में, तो बात में मुख्यमंत्रियों के द्वारा बैठक हो, विधायकों के द्वारा हो, सांसदों के द्वारा, अब संसद समाप्ति भी हो चुकी है, अब ऐसे में इस आंदोलन का कोई महत्व नहीं रह जाता, समझौता का रास्ता निकालना उचित है।